छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां पर बीजेपी राज्य में अपराध बढ़ने के कांग्रेस के आरोप पर गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 15 दिन की सरकार का ऐसा आंकलन नहीं किया जा सकता है। शायद सरकार का स्पष्ट मानना है कि संविधान के आधार पर सरकार चले, कानून का राज हो, किसी व्यक्ति विशेष का राज ना हो, कानून किसी की जेब में नहीं होता। पहले ऐसा हुआ है, उन सरकार और सबका उपचार किया जाएगा, निराकरण किया जाएगा। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ में नशा बढ़ा है। 13 से 15 साल के बच्चे इंजेक्शन से नशा कर रहे हैं, ये हर साल और हर हाल में समाप्त होना चाहिए। भाजपा का है, इस सरकार का, विष्णुदेव सरकार का स्पष्ट मानना है संविधान के आधार पर सरकारें चले और कानून का राज हो, किसी व्यक्ति विशेष का राज ना हो, कानून किसी की जेब में ना हो। पहले कुछ ऐसा हुआ है और उन सबका उपचार किया जाएगा, निराकरण किया जाएगा, कानून का राज स्थापित हो, ये आवश्यक है, इसी दिशा पे काम होगा। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के कार्यकाल में जो है हत्याएं बढ़ी, आत्महत्याएं बढ़ी है, इस तरह की जो आरोप है वो कांग्रेस 15 दिन की सरकार है, 15 दिन की सरकार का ऐसा आकलन नहीं किया जाता है। किसी तरह की चुनौती है क्या अपराध नियंत्रण करना? छत्तीसगढ़ में आप देख ही रहे हैं, नशा ऐसे बढ़ गया है, 13, 14, 15 साल के बच्चे इंजेक्शन से नशा करते हैं, ये सब समाप्त होना चाहिए हर हाल में। नए साल को लेकर क्या कुछ टारगेट है कि कल से नया साल शुरू हो रहा है और कल से आप अंग्रेजी कैलेंडर का नया साल कल से प्रारंभ है और हर दिन मेहनत का दिन है, हर दिन चुनौती का दिन है, अगला साल भी नया चुनौती का दिन होगा। मैं शुभकामनाएं भी अग्रिम प्रेषित करता हूं सभी को, आने वाला समय हमारे पूरे प्रदेश के लिए बहुत अच्छा हो, कानून का राज हो, सभी मुख्यधारा में हो, जो साथी जो नौजवान हमारे प्रदेश के अगर किसी और दिशा में हैं तो उनसे भी चर्चा करके, उनको भी समझा करके मुख्यधारा में लाने की पूरी कोशिश होगी।